उसी अन्नाज को हम अन्नाज जो है अन्न परमेश्वरी अन्नपूर्णा हम लोग कहते हैं उनको। यहाँ पर विशेषता क्या है, हम लोग घटस्थापना के दिन में जमरा भीतर रखते हैं। भाभी माँ आज आपका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। और हम खड़े हैं भानुभक्त समिति के मध्य में, यहाँ पे महानवमी के शुभ अवसर पे जगत जननी आदिशक्ति माता के बीच में माता के कृपा और आशीर्वाद हमें सभी को भक्तों को प्राप्त हो। यहाँ पे हमारे सनातन धर्म में कुमारी कन्याओं का जो विधान है उस विधान को लेकर के चलता है यह समिति, और उसी को हम आज कवर करने आए हैं। तो आप आइए हमारे साथ और देखते हैं वो छोटे छोटे बालिकाओं को किस तरह से पूजा किया जा रहा है। तो जुड़े रहें हमारे साथ, ऐसे ही अपडेट्स लेकर के हम पुनः मिलेंगे आपके साथ। आप सबका दिन शुभ हो। माता रानी आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। प्रेम से बोलिए जय माता दी। आपका स्वागत है बाबा। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ पे भानुभक्त समिति में ये क्या रहा अनुष्ठान। नमस्कार, जय हो सभी को, जो भी इस चैनल को, आपका चैनल के नाम द ग्लोबली न्यूज़, ग्लोबली न्यूज़ देखने वाले जितने भी श्रद्धालुगण हैं सभी को शुभेच्छा शुभकामना। आप लोग इस न्यूज़ को देखते रहें, अब आपको आनंद मिलेगा। धर्म क्षेत्र में हमारे सिंह जी जो हैं बड़े आगे, बड़े अच्छा क्वेश्चन करते हैं, विशेष करके हमारे भानुभक्त समिति द्वारा आयोजित नवरात्र चंडी पाठ 32 वर्ष से चल रहा है। इसमें विशेषता क्या है, हम लोग घटस्थापना के दिन में जमरा भीतर रखते हैं, धान मकई गेहूँ सब धान्य जो भगवान ने 7 प्रकार का जो अन्न सृष्टि किया है मनुष्य को प्राण रक्षा के लिए, कला उन्न गता प्राणा लोका स्वल्पा ईश्वर तथा कला, कलियुग में भगवान विष्णु ने जो है 7 प्रकार का अन्न सृष्टि किया है, उसी अन्नाज को हम अन्नाज जो है अन्न परमेश्वरी अन्नपूर्णा हम लोग कहते हैं उनको। यहाँ पर बालू में मिट्टी में रोपण किया जाता है, उसको कहते हैं नेपाली में जमारा, संस्कृत भाषा में जयंती। जयंती नाम की जो देवी है शक्तिपीठ जो हमारे शिलोंग से 10-60 किलोमीटर आगे वहाँ पर जयंती शक्तिपीठ है, उनका नाम भी जयंती है, तो जमारा को जयंती कहते हैं। आज महानवमी है, बड़े धूमधाम के साथ में एक ये पूजा है कि हवन कुमारी पूजन हुआ। विशेष करके आप लोग सब जानते हैं सिलीगुड़ी में प्रथम पूजा है, जो घटस्थापना से लेकर के पूर्ण फुल पार्टी शोभा यात्रा किया जाता है, पूरे शहर में घुमाया जाता है, सब अपने जाति संस्कार संस्कृति वेशभूषाओं के साथ में। तो यही पूजा अष्टम कहलाते हैं, नवमी पूजा कुमारी पूजा हवन परिपूर्ण करते हुए कल विशेष करके जो है जमारा वितरण है। कल का तारीख 24 है, अच्छा दिन है, मंगलवार है, मंगल करने वाला दिन है। कई लोग कह रहे हैं कि मंगलवार को विजयादशमी का टीका नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ये अफवाह है, इससे आप इसे मत लगना। शास्त्र का प्रमाण है कोई भी कार्तिक महीना हो अश्विन महीना हो, ये जो है अश्विन शुक्ल पक्ष माँ का पक्षी है, ये दुर्गा पक्षी है, इसी प्रकार इस पक्ष में आपको टीका लगाने में कोई असुविधा नहीं है। आप बड़े आनंद के साथ धूमधाम के साथ आप विजयादशमी का जो है अपने से बड़ों से बड़े धूमधाम के साथ में टीका लगाइए, जमराज जयंती आपके सिरों पर धारण करें, आपके जीवन में सुखमय आनंदमय आपके परिवार में सुखी सुख होगा, बुद्धि का कमी नहीं होगा। इसलिए हम भानुभक्त समिति द्वारा आयोजित इस चंडी पाठ इस नवरात्र के शुभ अवसर पर सभी हमारे इस चैनल को देखने वाले जितने भी श्रद्धालुगण हैं, हमारे माता पिता भाई बहन जितने भी हैं भारतवर्ष में विश्व में रहने वाले गोरखा हिंदू समुदाय सभी को हम शुभेच्छा शुभकामना देते हैं। आप लोग खूब आनंद से रहिए, खुशी से रहिए, अपने माता पिता आपका आनंद दे, जैसे बड़ पीपल का छाया होता है उस प्रकार आप बड़ पीपल के छाया जैसे अपने माता पिता का अनुभव करें, क्योंकि सबसे बड़ा देवता जो है माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं है। माता पिता से आप सेवा करें, माता पिता को सेवा करें, उनसे आशीर्वाद लें, यही बहुत बड़ा आपका धर्म है, क्योंकि पुत्र से परमो धर्म, पुत्र का कर्तव्य होता है, पुत्री का कर्तव्य होता है अपने माता पिताओं को सेवा करना, उनसे आशीर्वाद लेना, इसी से आपका सुख का प्रतीक होगा, आपके परिवार में सुख समृद्धि आएगी, व्यापार उन्नति भाईचारा एकता का प्रतीक ये भानुभक्त समिति का जो पूजा है, आपको सबको कल्याण होगा, सब आनंदी आनंदी, सब हरा भरा, आप देखिए झिलीमिली झाई है, देखो कुमारी बड़ी आनंद के साथ में भोजन कर रही है, कुमारी पूजन हो रहा है, ये तो आनंद ही आनंद का वर्षा हो रहा है, इसलिए सभी को आनंद आपकी वर्षा हो। अगला साल तक जो है आप लोग खूब हंसी से रहिए, खुशी से रहिए, मेरा ये शुभकामना है। भाई पंडित ध्रुवोपाध्याय सिलीगुड़ी नवग्रह मंदिर मूल संस्थापक, जय हो। बाबा अंतिम एक सवाल ये है, इसके इस तरह के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं
दो शब्द उनके बारे में बोलिए कि क्या कहेंगे। विशेष करके हमारे भानुभक्त समिति के जो महासचिव कृष्ण लामा जी हैं और उनके साथ साथ में और भी कई समुदाय सभी यहाँ पर 230 संस्था मिले हुए हैं, और विशेष करके जो उनका विचार जो है, उनका क्या विचार, खाली पूजा नहीं, इनका काम क्या है, गरीब का सेवा करना, आर्थिक उन्नति करके जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाना, जैसे कोई भी महामारी, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ हो उन पर आगे करना, आगे होकर सहायता करना, इनका बहुत बड़ा कर्तव्य रहा है। इसलिए उनको भी दीर्घायु हो, कल्याण हो, ऐसे सबका सेवा वो कर सके, यही आशीर्वाद, यही शुभकामना है। विशेष करके हम उसको कहते हैं कृष्ण लामा को जो है ऐसे सूर्य के सामने बत्ती दिखाना तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बत्ती दिखाना वो सूर्य है, इसलिए सबको कल्याण करते हैं, ये उनको आशीर्वाद है, उनका दीर्घायु हो, कल्याण हो। और विशेष करके हमारे फूलपाती शोभायात्रा समिति, हमारे जो गोपाल लामा जी हैं और कई सदस्य हैं भानुभक्त समिति में, कई सदस्य कई रूप से जुड़े हुए हैं, सबको शुभेच्छा शुभकामना, सबको कल्याण, दीर्घायु, आरोग्य, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, जय हो। भाभी माँ, आज आपका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। नमस्ते, मैं पंकज। तो हमें बताइए, हमारे दर्शकों को आज यहाँ पर क्या अनुष्ठान हो रहा है, इसके बारे में अपना परिचय देते हुए थोड़ा बताइए। मेरा नाम नितिन लामा, आज तो यहाँ हवन में नौ कन्या पूजा हो रहा है, तो हवन था तो सुबह में आके पूजा किया, सब हो रहा है, हवन नौ कन्या को पूजा हो रहा है, कुछ नहीं है, और सब भक्तजन आ रहा है, रखा है, सबको बढ़ता है। कितना दिन का ये रहा? नौ दिन का है, नौ कन्या का। तो और आगे का क्या कार्यक्रम है आज, कुछ और भी? आज का तो इसमें अभी नौ कन्या का भोजन कराएंगे, और भोजन तो करते हैं ना, भोजन कराएंगे तो खत्म हो गया पूजा आज का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। और बताइए कैसा रहा पूजा? नौ दिन का काम ये हमारा का पूरा पूजा हो रहे हैं, और नौ कन्या का सबका वो खाना वाना बनाने वाला अभी उसका। तो इन नौ दिनों में कैसा रहा पूजा यहाँ पे? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, आज हवन पूरा अच्छा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।